घाटी में इस तरह का माहौल बन जाए कि लोग वहाँ पे जाके बाहर से रह सकें, लेकिन उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। 370 मेरे ख्याल में तो अभी खाली एक नोशनल टाइप की चीज़ है, क्योंकि इसका असर क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, इसमें शक नहीं है कि इनके दिमाग में आया और उन्होंने कर दिया, तो डिसाइसिव एक्शन तो है। मेरे हिसाब से तो ये कदम सराहनीय है, अच्छा कदम है, लेकिन एज ऑफ नाउ एज ए बिजनेस और एज ए ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द कंट्री इट्स इम्पॉर्टेंट के मतलब बाकी चीज़ों को भी देखा जाए। केवल और केवल एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो कि बहुत प्रोलॉन्ग है, उसको कई तरीके के सोल्यूशंस हो सकते थे। ज़रूरी नहीं कि एकदम से बहुत हार्ड लाइन अप्रोच अपनाई जाए। इट कुड बी द हार्ड लाइन अप्रोच, बट वी बिलीव दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज दिस डेज कि इकोनॉमी को बेसिकली बहुत ध्यान दिया जाए रादर देन कि टेकिंग सम हार्ड लाइन अप्रोच। इट्स गुड सर, हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छी बात है कि मतलब अब हम दोनों में कोई भेदभाव सा नहीं रहेगा, सब भाईचारे के तौर पर रहेंगे। और अच्छी बात है, यहाँ से कोई आदमी वहाँ पे आके अपना बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा। हम तो खुश हैं इस बात से, हम तो बहुत पैसे चाहते थे कि ऐसा हो जाए। एक चीज़ और होनी चाहिए कि जो संविधान अलग अलग है वो भी एक ही होना चाहिए पूरे देश का। अगर ये ऑनेस्टली से कर रहे हैं, अगर ईमानदार हैं, उसके पीछे साहसिक कदम उठा रहे हैं, तो हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ये एक राजनीतिक स्टंट है या चुनाव को देखते हुए है, तो वो ठीक नहीं है। देश के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो ये कदम सराहनीय कदम है। जम्मू एंड कश्मीर में पहले वर्क करने के लिए अदर स्टेट के लोग नहीं जा सकते थे, अब वो जा सकते हैं। इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा उसमें मार्जिन में जा करके वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, अपना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे। 370 और 35 से हटनी चाहिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अंग है। अभी तक हम उसको एक अनडिवाइडेड की तरह लेके चलते थे, अभी बिल्कुल ठीक हुआ है, एक्यूरेट है। हाँ, बहुत ठीक है, अच्छी बात है हमारे देश के लिए। हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, इससे हमारे जो कश्मीर और जो और स्टेट्स हैं उन सबका मिलना जुलना ज़्यादा हो जाएगा। हमारी वीडियोज़ को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।